एक जंगल में मोना नाम की चिड़िया रहती थी, जो बहुत मेहनती थी। हर समय कुछ ना कुछ करती रहती थी। उसी जंगल में कालू नाम का एक कुआ रहता था। वो बहुत आलसी था। जंगल में बारिश ना होने के कारण दाने की कमी होने लगी थी। फिर एक दिन मोना को ख्याल आया कि क्यों ना जंगल के एक हिस्से पर गेहूँ बो दिए जाए, जिससे मैं मेहनत तो है पर खाने के लिए दाना आसानी से मिल जाएगा। पर मैं अकेले कैसे करूँगी, क्यों ना मैं कालू कौवे की मदद ले लूँ। इससे काम भी आसान हो जाएगा और कालू को भी दाना मिल जाएगा। मोना कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या तुम देख रहे हो, जंगल में दाने की कमी होने लगी है। हाँ बहन, बिल्कुल। मैंने तो 2 दिन बाद आज दाना खाया है। कहीं तुम मुझसे दाना उधार लेने तो नहीं आई हो। नहीं नहीं भैया, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेने आई हूँ। मुझे पता है तुम अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से दाना लाते हो। सच में बताऊँ तो भैया, मैंने कुछ नया सोचा है। क्या नया सोचा है तुमने मोना? नदी के पास काफ़ी सारी ज़मीन खाली पड़ी है और मेरे पास कुछ दाने हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इन दानों को वहाँ पर बो लेते हैं। इससे हमारे पास खाने की कमी भी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलकर कर लेंगे और जो फसल होगी वो तुम और मैं आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, हम दोनों आज ज़मीन को नरम करते हैं, क्योंकि बीज नरम ज़मीन पर ही उगता है। आज ऐसे अचानक तुम मुझे बता रही हो? ऐसा करो, तुम आज अकेले जाकर ज़मीन नरम कर लो, बाकी का सारा काम मैं कल से करवा दूंगा। अगर तुम्हें आज कुछ काम है तो कोई बात नहीं कौवे भैया, मैं अकेले ही चले जाती हूँ। हाँ, लेकिन कल बीज बोना है तो लाजमी है कि तुम्हें साथ चलना ही पड़ेगा। पक्का, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर सारे बीज बो दूंगा। और चिड़िया वहाँ से अकेले ही ज़मीन नरम करने के लिए चली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।